हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। अभी अभी मुझे एक कमेंट मिला कि नानी, आप तो वेट लॉस के पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं वेट लॉस के पीछे हाथ धो के पड़ गई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का भी वेट अंधाधुंध बढ़े या अननेसेसरी बढ़े। हेल्दी वेट होना चाहिए, और हेल्दी वेट अगर होता है तो हम भी हेल्दी रहते हैं। वेट गेन यानी कि एक्सेस वेट या बैली फैट जो है वो एक तरह से इन्विटेशन कार्ड की तरह होता है कि आप सभी बीमारियों को इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं, आ जाओ भाई मेरी बॉडी खाली, आ जाओ मेरे पास रह जाओ। और जब इनविटेशन मिलेगा तो आएंगी वो बीमारियां। तो जरूरी है अपने वेट को मैनेज करके रखना, कंट्रोल करके रखना, और अगर बढ़ गया है तो उसको कम करना। आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाली हूं जिससे एक ही दिन में आप 2 से 5 kg तक वेट घटा सकते हैं। लेकिन वीडियो शेयर करने से पहले नंबर 1, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नंबर 2, ये जो रेमेडी या ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, ये डेली आपने नहीं करनी है, महीने में एक बार आपने करनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी। क्योंकि एक दिन में 2 से 5 kg वजन घटाना ये हेल्दी तरीका नहीं है। हाँ, जो चीजें मैं बताऊंगी, अगर आप वो सभी चीजें करते हैं और महीने में एक बार करते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कैसे घटेगा एक दिन में 2 से 5 kg तक। 2 से 5 kg मैंने इसलिए कहा कि हर इंसान की बॉडी अलग अलग है, कोई बॉडी किसी रेमेडी को कैसे रिएक्ट करती है, कोई कैसे रिएक्ट करती है, लेकिन जो नेचुरल रिएक्शन है वो यही होगा कि वेट घटेगा। कितना घटेगा वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी कैसी है। हमारे शरीर के अंदर कुछ तो हमारा मसल वेट होता है, बोन्स का वेट होता है, हमारा कुछ वाटर का वेट होता है, पानी का वेट होता है, कुछ फैट जमा होता है उसका वेट होता है। तो हम जब ये रेमेडी करेंगे, ये टिप्स अपनाएंगे तो इसमें हमारा जो वाटर का वेट है वो कम होगा। इसीलिए मैंने कहा कि इसको रेगुलरली हर बार हर रोज नहीं कर सकते हैं, महीने में एक ही बार कर सकते हैं। हम जो पानी पीते हैं, हमारी बॉडी उस पानी को रिटेन, वैसे तो कहते हैं 70% ऑफ आर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, लेकिन कुछ लोगों के बॉडी का ये हैबिट होता है कि वो वाटर को रिटेन करके रख लेते हैं, जितना पीते हैं उतना फ्लैश आउट नहीं होता है, तो इससे उनका वाटर रिटेंशन का वेट बढ़ता है। वाटर रिटेंशन का वेट जो है 2 kg तक तो हर किसी का ही बढ़ता है, किसी किसी का ज्यादा भी बढ़ता है। तो आपने करना ये है कि 48 hours तक, यानी कि ये इसको मैं कह सकती हूँ कि ये वीकेंड रेमेडी है, आपको वीकेंड पर ही करना है। जैसे फ्राइडे नाइट आपने इसको स्टार्ट करना है, तो फ्राइडे नाइट को आप सोने से पहले 1 कप ग्रीन टी पी के आपने सोना है। इससे होगा ये कि जब आप सोएंगे तो आपको रात को 1 या 2 बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, आपकी किडनीज अंदर से फ्लश आउट हो जाएंगी अच्छे से जब तक आप सुबह उठेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने ग्रीन टी पी के सोना है। अब जब आप सुबह उठेंगे, उस सुबह से लेकर यानी कि सैटरडे सुबह से लेकर के और संडे इवनिंग तक आपने नमक बिल्कुल नहीं खाना है, नो सॉल्ट एट ऑल, सब्जी में नहीं, आटे में नहीं, रोटी में नहीं, किसी भी तरह से लस्सी में नहीं, छाछ में, किसी भी तरीके से आपने कोई भी सॉल्ट नहीं खाना है, ना व्हाइट खाना, ना ब्लैक, ना पिंक, कोई सॉल्ट नहीं खाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी में जो वाटर रिटेंशन है वो नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप सोडियम खाते हैं तो सोडियम वाटर को रिटेन करके रखता है। आप 2 दिन तक सोडियम नहीं खाएंगे, और नमक में सोडियम मैक्सिमम होता है, जब आप 2 दिन तक नहीं खाएंगे तो वो वाटर रिटेन नहीं रहेगा, वो वाटर आपका फ्लश आउट होता रहेगा, और जितना वाटर फ्लश आउट होगा उतना आपका वेट लूज होगा। अब आप ये सोचेंगे कि अगर हमने नमक नहीं खाना है तो खाएं क्या, क्योंकि नमक के बिना तो खाने का स्वाद ही नहीं है। अब आप अगर आपने अपनी सेहत देखनी है तो आपको थोड़ा सा स्वाद त्यागना पड़ेगा। स्वाद और सेहत दोनों साथ साथ कम ही चल पाते हैं, क्योंकि स्वाद तो जीभ का स्वाद होता है, जीभ तो पता नहीं कैसे कैसे स्वाद, चाउमीन का स्वाद मांगती है या किसी और चीज का स्वाद मांगती है जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं, चिप्स का स्वाद मांगती है वो अच्छे नहीं है। तो हमको स्वाद को त्यागना पड़ेगा तब हम अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। आपने मॉर्निंग से नमक खाना बंद कर दिया, अब आप क्या खाएंगे? बेटर तो ये है कि आप सैलेड और फ्रूट्स,
पूरा दिन सैलेड एंड फ्रूट लेते रहे। जब भी आपको भूख लगी, एक बार आपने सैलेड का एक बॉल ले लिया, एक बार आपने फ्रूट्स का एक बॉल ले लिया। लेकिन अगर आपको लगता है बिना अनाज के तो आपका काम चलेगा नहीं, कैसे आप रहेंगे, आप भूखे हो, भूख लगेगी आपको, इतने फ्रूट से तो आपका काम नहीं चलेगा, आपकी तो एनर्जी लूज हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तब आप दो चीज ले सकते हैं, या तो ओट्स ले सकते हैं या तो बेसन का चीला ले सकते हैं। लेकिन ओट्स भी अगर आप लेते हैं तो उसमें नमक बिल्कुल नहीं डालना है, और मैक्सिमम सब्जियां आप उसमें डाल के उस ओट्स को खा सकते हैं, या इसी तरीके से आप बेसन का चीला खा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं होगा, और जब आप संडे इवनिंग में देखेंगे तो आपका 2 से 5 किलो तक का वेट कम हो चुका होगा। अब ये वेट लूज करना ज्यादा जरूरी क्यों है? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कमाते किस लिए, खाने के लिए ही कमाते हैं ना। तो बिल्कुल आप खाने के लिए ही कमाते हो, लेकिन बीमार होने के लिए तो नहीं कमाते ना। तो आप ऐसा क्यों खाएंगे कि जिससे आप बीमार हो जाए? साइंस कहता है कि एवरी इल हैज अ पिल, हर बीमारी की एक दवाई है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि हर एवरी पिल हैज अ साइड इफेक्ट, कि हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। तो अगर आप बीमार हो जाते हैं, अगर आप मोटे होते हैं, आपका अंधाधुंध वेट बढ़ता है, बीमारियों को न्योता देते हैं, तब आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी, उसके साइड इफेक्ट होंगे, आपको नुकसान होगा। और अगर इस तरीके से हम अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं तो हम हेल्दी रह सकते हैं। तो ये तो हुआ तरीका कि एक दिन में हम 2 से 5 किलो तक वजन कैसे घटाएं। आपने वजन तो घटा लिया, लेकिन आप सोचे कि मंडे से मैं फिर से कर लूं तो 2-3 किलो और घट जाएगा, तब आपका 2-3 किलो घटेगा नहीं, क्योंकि तब आपका सोडियम एक्सेस में कम हो जाएगा, वो आपके लिए नुकसान वाला होगा। तो ये रेमेडी, ये ट्रिक जो है अपने महीने में एक बार आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करनी है। उससे उसके बाद आपने क्या करना है, आपका एक बार वेट कम हो गया उसको आपने मेंटेन करके रखना है। कुछ एक चीजों का ध्यान रखेंगे तो दोबारा नहीं बढ़ेगा वो। नंबर वन, आप टेबल सॉल्ट को कम कर दो, व्हाइट शुगर को कम कर दो। 4 पॉइजन्स कहे जाते हैं। नंबर वन पर आता है व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट शुगर, प्रोसेस्ड फूड, मैदा से बनी हुई चीजें, या जो हाइड्रोजनेटेड फैट होता है जिसको व्हाइट फैट भी बोलते हैं, ये 4 चीज अगर आप बंद कर दोगे तो दोबारा आपका वेट नहीं बढ़ेगा। इन 4 चीजों को बंद करने के साथ साथ आपको कुछ एक चीजों का और भी ध्यान रखना है। अचार और चटनी, ये हम बड़े स्वाद से खाते हैं, हर मील में हम खाते हैं, लेकिन इससे वही है कि टेस्ट हमारा बढ़ता है, और उस टेस्ट में हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेते हैं, जो हमारे वेट को बढ़ाने का कारण बनती है। तो आपने अचार और चटनी को जितना हो सके ना करना है। चाट मसाला आपने कभी भी यूज नहीं करना है। आपको अगर चाहिए तो आप अमचूर पाउडर ले सकते हो, लेकिन चाट मसाला नहीं लेना चाहिए, उसमें मैक्सिमम सॉल्ट होता है जो वाटर रिटेंशन का कारण बन सकता है। दिन में जितना हो सके पानी पिएं, पानी लिक्विड पीना है आपने, पानी ही पीना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 3-4 बॉटल भर भर के रख लो और वही पानी पीते रहो। आपको दिन में कम से कम 3 लीटर जो है वो लिक्विड पीना है, चाहे आप छाछ पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या घर का बना हुआ जूस पी रहे हैं। तो आपने वो लिक्विड इनटेक आपका ज्यादा होना चाहिए, और स्पेशली जब आप ये सॉल्ट फास्टिंग करते हैं उस टाइम तो आपको लिक्विड इनटेक बहुत बढ़ा देना होगा। बेकिंग आइटम्स बिल्कुल नो, बेकिंग आइटम बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। तो ये कुछ एक छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अगर चाहते हैं वेट मैनेज रहे, अगर चाहते हैं हेल्दी वेट मैनेज रहे, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तौंद ना बढ़े किसी भी एज में, तो ये छोटी छोटी टिप्स को अपना लो। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी बहुत वॉक कर लो, बस थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने करनी है और अपने आप को फिट रखना है ना, आसान तरीका। तो एक दिन में आप अपना वजन घटाइए, उसके बाद उसको मेंटेन करके रखिए। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।